हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे लोगो सीरीज पे, जिसपे हम डेली एक एक लोगो के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, और साथ ही साथ दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी मिलते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं आज का नया लोगो। तो ये रहा गाइस लोगो नंबर 5 पे ट्रांसफार्मर। बेसिकली सब लोगों का काम CorelDRAW पे होता है, तो मैं भी CorelDRAW ही यूज़ करूँगा। तो ये रहा गाइस लोगो नंबर 5 पे ट्रांसफार्मर। उससे पहले मैं इसको साइज़ कर लूँगा, तो मैं तो इसको भाई अप्लाई करने वाला हूँ, तो मैं साइज़ करूँगा इसका। मैं हाइट 3 दूँगा, तो और विड्थ जितना ऑटो सेट होके आएगा उतना ही रहने दो। तो इसको मैं जल्दी से कट कर लेता हूँ। सो कट करने के लिए मैं फ्लेक्सी साइन यूज़ करूँगा, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा और फ्लेक्सी डिज़ाइन ओपन कर लूँगा। तो फ्लेक्सी के बारे में इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो पे बता दिया है। तो यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद ब्लेड आइकॉन पे क्लिक करके इसको कट कर लेते हैं। तो जैसे ही ये ओपन होगा इसको हम बस सेंड कर देंगे, तो ये सीधा कटिंग प्लॉटर पर चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा कटिंग प्लॉटर का कमाल देखते हैं। तो पहले मैं इस पर ब्लैक कलर स्टिकर ऐड करूँगा, क्योंकि आज हम ब्लैक कलर, मैट ब्लैक कलर पे इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर आपको मैट ब्लैक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप इजीली मैट ब्लैक खरीद सकते हैं। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन पर चेक कर लीजिए। तो मैं इस पर ऐड करूँगा मैट ब्लैक स्टिकर। जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, ये कट हो रहा है। तो जैसे कि आप जानते हो, इसका डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने CorelDRAW उस पर ओपन करके आराम से कट कर सकते हो। तो यहाँ से ये कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी रोल हम इसे प्लॉटर से निकाल लेते हैं और जल्दी से सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करने के बाद हम सिंपली इसको जैसे लास्ट 2 वीडियोस में जैसे हम गप्टे पे निकाल के गाड़ी पे अप्लाई किए थे, तो वैसे ही करने वाले हैं। तो इसको जल्दी से मैं निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों इसको मैंने यहाँ से क्लियरली निकाल लिया है। अभी मैं सिर्फ इसको गम टेप और स्क्वीज़र के मदद से यहाँ से निकाल लूँगा। और आज हम एक रिट्स कार पे अप्लाई करने वाले हैं। रिट्स कार के जो फ्रंट साइड फ्रंट डोर के सामने जो बहुत इंडिकेटर्स होते हैं ना, तो उसके नीचे इसको हम अप्लाई करने वाले हैं। ये रहा दोस्तों आज का लोगो। सो कमेंट पे बताइए आज का लोगो कैसा रहा, और अगर आपको कोई लोगो सजेशन करना हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों कल अगर नए वीडियो के साथ।